नेपाल समेत दिल्ली एनसीआर, यूपी बिहार, उत्तराखंड में बार बार आने वाले भूकंप लगातार देश को डरा रहे हैं। बीती रात लोग बस सोने की तैयारी ही कर रहे थे कि करीब 11:32 पर भूकंप का तेज झटका लगा। लोग इतने सहम गए कि घंटों घर से बाहर ही बिताने पड़े। इससे पहले भी बीते कुछ महीनों में उत्तर भारत और नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं, लेकिन ऐसे भूकंप क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल हिमालय 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत की श्रेणियां। हिमालयी रीजन में पिछले 150 सालों में 4 बड़े भूकंप आ चुके हैं। साल 1897 में शिलांग का भूकंप, साल 1905 में कांगड़ा का भूकंप, 1934 में बिहार नेपाल का भूकंप, 1950 में असम का भूकंप शामिल है। इसके अलावा साल 1991 में उत्तरकाशी में, 1999 में चमोली में और 2015 में नेपाल में भी बड़ा भूकंप आया था। वहीं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के वैज्ञानिक संजय कुमार प्रजापति ने बताया कि हिमालय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, नेपाल के पश्चिमी हिस्से और उत्तर भारत में भूकंप से होने वाले जान माल के नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए खास मापदंड भी बताए हैं। बेसिकली पश्चिमी नेपाल मतलब वेस्टर्न नेपाल रीजन में है, जो कि हमारे उत्तराखंड के रीजन से सटा हुआ है जोन है, और ये जो अर्थक्वेक जहाँ आया है वो हमारे जो दो प्लेट्स हैं, जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, उसकी कोलिजन बाउंड्री पर आया है। और अगर पास्ट में भी अर्थक्वेक देखें तो यहाँ पर नवंबर में भी अर्थक्वेक आ चुके हैं, अभी जनवरी रिसेंट में जनवरी में भी आए हैं, दैट इज 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, ठीक है, जो कि दिल्ली में भी फेल्ट हुआ। अभी का जो अर्थक्वेक आया है वो अगर यहाँ पर आप मैप देखेंगे तो ये जो है 6.2 का है, जो कि बहुत सैलो डेप्थ पर था, मतलब 5 किलोमीटर डेप्थ पर आया अर्थक्वेक आया है। बात करें तो 6 मैग्नीट्यूड है, अगर अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग है तो नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं, केवल शेक होगा, लेकिन अगर पुअर क्वालिटी की बिल्डिंग है तो नुकसान की संभावना है। अभी इसका जैसे रिपोर्ट अगर हम ये बता रहे हैं यहाँ पर, अगर हम देखें कि अगर ये देखा जाए तो 6.2 का अगर इंटेंसिटी मैप देखें हम आपको बताएं, तो ये यहाँ अगर ये अगर इसका लीजेंड देखें तो ये बताता है कि 6 का मतलब स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग में जनरली क्या होता है कि बिल्डिंग में क्रैक्स आते हैं, बिल्डिंग में क्रैक्स आते हैं, बिल्डिंग फॉल नहीं होती, 6 का मतलब ये है, अगर काफ़ी अगर डिजास्टर होगा, ड्वेल होगा तो बिल्डिंग कोलैप्स होती है, तो 6 का मतलब बिल्डिंग में क्रैक्स, दरारें आ सकती हैं। बता दें कि भारत में इस साल कई बार भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं डच रिसर्चर फ्रैंक हुगरबीट्स ने भी भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ा भूकंप आने की भविष्यवाणी की थी, जो कि भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र के आसपास के इलाकों में तबाही मचा सकता है।